राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा की ओर से 12% आरक्षण की मांग को लेकर जयपुर में हीरा वैली रिसोर्ट में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता माली समाज के प्रदेशाध्यक्ष छुट्टन लाल सैनी ने की। बैठक में आरक्षण के आंदोलन को और त्वरित गति देने के लिए प्रदेश स्तर पर एक कोर कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री मनोज अजमेरा ने बताया कि कोर कमेटी में महासभा के प्रत्येक जिलाध्यक्ष सहित समाज के प्रबुद्ध जनों को शामिल किया जाएगा। वहीं इस मौके पर राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य भवानी शंकर माली ने कहा कि आज की परिस्थितियों में समाज को आरक्षण की विशेष जरूरत है। वहीं बैठक में सभी जिलों के अध्यक्षों ने आंदोलन को गति देने के लिए सहमति प्रदान की। राजस्थान माली महासभा की तरफ से हमारे हर जिला के अध्यक्ष, उनके जिलाध्यक्ष के कार्यकारिणी के पदाधिकारी, उनको हमने संघर्ष समिति हमारी चल रही है आरक्षण की मांग के लिए, उसके लिए हमने हर जिलों से अध्यक्षों की राय लेने के लिए हमें कितना परसेंट के ऊपर, हमने 12% मांगा है। उस जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है जिनके, वो लोगों को हम बुला लिए। दूसरा हमारा प्रयास हो चुका, वो लोग एक नहीं होते हैं, उनको एक संगठन पर लाने की हमारी पूरी राजस्थान माली महासभा की चेष्टा रही है कि हम एक मंच पर आगे काम करें। हर समाज का हमारा बहुत समय कीमती बर्बाद होता है इन लोगों की लड़ाई के अंदर, जिसमें आगामी समय में किस प्रकार से आंदोलन को गति दी जाए, इसके लिए पूरे प्रदेश के पदाधिकारी, पूरे प्रदेश के जो संगठन से जुड़े लोग आज इसमें इकट्ठे हुए हैं और रणनीति तय की जा रही है। और मैं मेरी ओर से इनको आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले मिलवा के और इनको इनकी मांगों के ऊपर मुख्यमंत्री से मिलवाया था, और जो इनकी मांगे होगी आगे सरकार से इनको मिलवाने का काम मैं कर दूंगा। जो भी न्यायोचित होगा वो इनकी मांगों के लिए सरकार काम करेगी।